जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सचिन और गाइस, आज की वीडियो में हम एडिट करेंगे डी मोड ली टू के नाम से एक टोन, जो कि लाइव शो वालों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। जो भी लोग लाइव शो के लिए इस कीबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं वहां पर इस टोन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई गाइस, इस टोन को एडिट करने के लिए हमें सिटी एक्स 9000 इन के अंदर जिस टोन को लेना है वो आपको मिलेगी 395 नंबर टोन, जो कि डी मोड LD2 के नाम से दी गई है, जो कुछ इस प्रकार से प्ले होती है। गाइज, आप चाहो तो बिना एडिट के भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन एडिट करने के बाद हम इसका जो इफेक्ट लग रहा है देखिए। गाइज, जैसे हम कीज प्रेस करें उसके बीच में एक इफेक्ट लग रहा है जो कि हमें हटाना है, क्योंकि हमें इस टोन को स्मूथ बनाना है। हर कीज का एक बिंदु साउंड आ रहा है गाइज, जिसको हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए मैं आपको अपनी टोन का पैरामीटर देता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने डी मोड LD2 के नाम वाली टोन लेनी है। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसका ब्राइटनेस। इस टोन को लेने के बाद आपने फंक्शनिंग कमांड को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो मैं आपको अपना पैरामीटर देने वाला हूँ। तो आपने 395 नंबर टोन लेनी है, उसके बाद फंक्शनिंग कमांड को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास आएगा अटैक टाइम, जिसको आपने बढ़ा के 108 नंबर या 110 नंबर कर सकते हो। आप जैसे आप करोगे कुछ इस प्रकार का आपका टोन बनेगा कि आप इसको जैसे प्ले करोगे तो एक स्मूथनेस आएगी जो कीज प्रेस करने में महसूस नहीं होती। अटैक टाइम 110 नंबर पे। इसके बाद 3 नंबर से आगे जाएंगे तो यहाँ पर रिलीज टाइम हमारे 64 नंबर पे डिफ़ॉल्ट। आगे जाएंगे कट ऑफ तो 76 नंबर पे, 76 नंबर पे। 3 नंबर से आगे जाएंगे तो हमारा आता है रेसोनेंस, जिसको हम 64 नंबर पे रखेंगे। वाइब्रेटो में हमने कुछ नहीं करना है, ऑक्टेव शिफ्ट भी डिफ़ॉल्ट रहेगा। वॉल्यूम 103 नंबर पे कर लीजिए, आप चाहो तो कम कर सकते हो अपने हिसाब से। वेलोसिटी सेंस इसका हमें 63 नंबर पे रखना है। रिवर्ब सेंड इसका 52 नंबर पे रहेगा। कोरस सेंड 71 और डिले सेंड 51। अब गाइस, ध्यान देने वाली बात है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कीबोर्ड को लाइव शो के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल बता दूं कि जब भी आप लाइव शो के लिए किसी भी कीबोर्ड को यूज़ करो तो मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ। तो देखिए, पहले हम टोन इतना हमारा बन चुका है, एग्जिट आते हैं 4 नंबर से, फिर से यस और फिर से यस, तो हमारा टोन बन चुका है। अब देखिए गाइस, जो लोग इसको लाइव शो के लिए यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए, फंक्शनिंग मोड में एक बार प्रेस करेंगे। अब आगे जाते हैं 3 नंबर से, तो यहाँ पर गाइस देखिए, जो लोग एक मिनट हमने पढ़ा था कि जो रिदम का वॉल्यूम किस प्रकार से चेंज होता है, तो उसको भी बता देता हूँ साथ में। देखिए यहाँ पर एकम वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये आपकी बेसिकली रिदम का ही साउंड है। जैसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, तो इसको जैसे आप ऑन करेंगे तो कोड हमारा ऑटोमेटिक लग रहा है। अब मान लीजिए मैं कोई टोन प्ले कर रहा हूँ, इस वक्त अगर मैं कीबोर्ड के साथ प्ले कर रहा हूँ तो मेरा जो इसका डिले सेंड है काफ़ी बराबर आ रहा है। अब जो लोग इसका रिदम का साउंड कम करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट। ये आपका रिदम का साउंड है। तो जिन भी लोगों को दिक्कत थी कि रिदम का साउंड कैसे चेंज करते हैं, तो हमने क्या किया देखिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। फंक्शन में एक बार प्रेस किया, 3 नंबर से आगे जाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखाएगा एकम वॉल्यूम, यही हमारी रिदम की वॉल्यूम है। इसके बाद हम आगे चलते हैं लाइव शो वालों के लिए। जो लोग चाहते थे कि लाइव शो के लिए उनका जो डिले रहता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप सेम फंक्शन के बटन में आइए, यहाँ पर देखिए आपको डिले का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट अभी 01 नंबर पर है और हमने टोन का डिले 51 नंबर पर रखा था, तो आप यहाँ पर अगर कीबोर्ड के साथ नॉर्मली प्ले कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने जो आपका मिक्सर है वहाँ पर आपने कोई भी डिले नहीं दिया है, तो आप यहाँ से इसका डिले बढ़ा सकते हो। जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट में लॉन्ग पैन वाला रहता है, काफ़ी डिले हो गया। अगर आपने डिफ़ॉल्ट रखना है तो 01 नंबर पे रहेगा, जिसमें इसका डिले नहीं लगता। ये टोन का खुद का डिले है, कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसमें डिले कम कर सकते हो। किसी भी टोन में आप 01 नंबर पे टोन रखिए, आपका डिले कम कट हो जाएगा बिल्कुल। ये आप लाइव शो के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लाइव शो में जाएं, नॉर्मली यहाँ से फंक्शन में जाएंगे और 3 नंबर से या 1 नंबर से बैक आके आप यहाँ पर डिले लिखा रहता है, इसको 01 पे कर दीजिए। आप लाइव शो के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप घर में यूज़ करना चाहते हो तो आप इसका डिले बढ़ा सकते हो, क्योंकि घर में डिले काफ़ी चाहिए होता है हमें। इसके बाद देखिए, अगर आप इसमें देखिए, इस वक्त ये नॉर्मल प्ले हो रही है। अगर हम इसमें एक फ्लैंगर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो
इसके लिए हमें क्या करना है, तो कोरस में जाएंगे। अब हमें इसमें एक इफेक्ट लगाना है जो कि नागिन टोन के लिए यूज करते हैं, तो आप इसमें जाके कोरस में जाके यहाँ से फ्लेंगर वन या टू लिखा रहता है, थ्री, अब इसको यूज करते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो टोन का इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से आएगा। ये फ्लेंगर इफेक्ट है, ये भी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये भी लीड है, लीड में ये वाला इफेक्ट जरूर लगता है। आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, आप एक ही प्रकार की दो टोन यूज कर सकते हो फ्लेंगर इफेक्ट के साथ। इसमें आपका जो साउंड है लेफ्ट राइट दोनों साइड जाता है। अगर आप इसको नॉर्मल प्ले करते हो इस प्रकार से आप इस टोन को बना सकते हो, और ये टोन बिना किसी लेयर के हमने बनाई है। इसके बाद देखिए एक पॉइंट और हमने पढ़ा था कि उनको मुरली के टोन में स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो लगाने आया, तो देखिए फिर से बता रहा हूँ, अभी मेरा टोन बिल्कुल सिंगल है। अब हमें इसमें एक कोड भी लगाएंगे, अगर मैं नॉर्मली यहाँ से रिदम प्ले करता हूँ तो मेरा कोड ऑटोमेटिक लग रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो देखिए मेरा कोड किस प्रकार का रहा है, ये मेरा इसका डिफॉल्ट कोड है। अब हम इसमें कोड लगाएंगे, तो कोड के लिए यहाँ पर स्प्लिट का बन दिया गया है, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा कोड 801 नंबर में आ रहा है, तो मैं 828 नंबर वाला कोड इसमें लगाऊंगा। मैं यहाँ पर अकाउंट जो ऑप्शन है उसको ऑफ कर दे रहा हूँ, तो अभी मेरा कोड सुनिए कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है गाइस। अब हम इसमें कोड डबल करेंगे, डबल करने के लिए लेयर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तो मेरा दूसरा कोड आ रहा है 115 नंबर पर। देखिए यहाँ पर ध्यान रहे कि एक बार प्रेस करोगे तो लेयर टोन होगी, अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो निचला जो नीचे वाला कोड है वो आता है, तो इसको हम जो कोड रखेंगे वो हमारा 822 नंबर में है बैकग्राउंड इफेक्ट। इस प्रकार के आप देखिए इस प्रकार से आप कोड भी लगा सकते हो, आप चाहो तो लगाओ या ना लगाओ, लाइव शो के लिए आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।